कर दोस्तों कुंडली भाग्य के आने वाले एपिसोड में जहां पलकी करेगी इस समय सौर्य को सभी घर वालों के सामने एक्सपोज बताती हुई नजर आ रही है कि जब जब सौर्य मेरे को मिलता था तब तब वो मेरे से लड़ाई झगड़ा करने के अलावा कुछ नहीं करता था और सबसे ज़्यादा नशा करके मेरे साथ में बदतमीजी की थी और मेरे शादी में इसने मेरे साथ में क्या किया था तुम लोग को भी अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि एक लड़की का दर्द तुम क्या जानो, तुम्हें अपने पैसे की गर्मी के अलावा तुम्हें किसी का दर्द नहीं सहन आता। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि राखी माँ बहुत अच्छी है, राखी माँ से अपना दर्द साझा करती हुई नजर आ रही है पलकी। जी हाँ दोस्तों, इधर आप लोग देख पाएंगे कि अब आखिरकार पलकी करण और प्रीता का दोनों का ही ट्रीटमेंट करती हुई नजर आने वाली हैं। यहाँ तक कि बात की जाए पुलिस की तो पुलिस में गिरफ्तार करवाने के लिए तैयार थे इस समय राजवीर को सौर्य की फैमिली, लेकिन दोस्तों जब पलकी ने कैडी पड़ी थी तब उसके बाद मैं पुलिस वालों को पूरी बात बताती हुई नजर आई थी आखिरकार कि राजवीर की गलती नहीं है बल्कि सबसे ज़्यादा बिगड़ा और सबसे ज़्यादा निहायती बदतमीज तो ये सौर्य ही है। सौर्य ने हमेशा से ही लोगों का अपमान करने के अलावा दूसरा काम ही नहीं किया है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सभी लोग बेहद ज़्यादा कन्फ्यूजन और टेंशन में नज़र आ रहे हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। आप लोग जानते ही हैं कि इस समय सभी लोगों का मानना यह है कि जो हो रहा है वो वाकई में दोस्तों बेहद ज़्यादा गलत हो रहा है। बात की जाए प्रीता की तो प्रीता को अब होश आता हुआ नज़र आ रहा है और प्रीता के साथ साथ में करण को भी होश आ जाएगा, लेकिन प्रीता को ये नहीं पता है कि ये मेरा ही घर है, बल्कि प्रीता खाली राजवीर को जानती है, पलकी को जानती है, इनमें से लूथरा परिवार को किसी को नहीं जानती, लेकिन लूथरा परिवार को तुरंत ही उसने प्रीता को पहचान लिया है और तब पता चलेगा कि राजवीर कोई और शख्सियत नहीं है बल्कि राजवीर तो इसी घर का खुद का ही बेटा है। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं आने वाले एपिसोड के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइएगा इस कैसे लगी मेरी वीडियो। थैंक यू।